आपने स्वीकार किया कि घर पे आप ज्यादा अच्छी तरह से अपना इलाज कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात और ये हमें समझना भी चाहिए, लेकिन पैनिक होता है। घर के अंदर आपको अपना अच्छा खाना मिलता है, अच्छा सोने को मिलता है, आपका अपना ठीक है सर। डॉक्टर पद्मा, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बहुत सारे कम उम्र के मरीज भी जिन्हें कोरोना हो रहा है उन्हें हम बचा नहीं पा रहे हैं, बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हमारे देश से सामने आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा, ये हालांकि एक ये आया है सेंटर से कि इसमें ऐसा नहीं है कि यंग पीपल को ज़्यादा हो रहा है, पर आम तौर पे देखे कि इट इज़ ट्रू कि सेकेंड वेव में ज़्यादा तक 40% जो इन्फेक्शन है वो यंगर पॉपुलेशन में आ रहा है। तो ये कहा गया ICMR से एक बुलेटिन में आई है कि पिछले वेव में 50 इयर्स और इस वेव में 49 इयर्स, बट आप 49 इयर्स भी लिए तो वो तो यंग ही है। दूसरी चीज है कि ये डेफिनेटली ये आया है कि इन लोगों में सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, 53% ज्यादा रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की इस वाले इन्फेक्शन में। तो ये जो है कि क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है, यंगर पॉपुलेशन है, ये हो भी सकता है कि इनके वायरल लोड भी ज्यादा है। यंग पीपल आर आउट देयर इन दी आउटसाइड इन द एनवायरमेंट, सो ये लोगों को कोमोबिट ना भी हो सकता है वायरल लोड इनमें ज्यादा है, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आजकल हमने देखा नहीं, पिछले 2-3 महीने में इट हैज गॉन आउट ऑफ दी इट्स जस्ट बीन थ्रोन आउट दिस कॉशन टू दी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था ही नहीं, इसके लिए वायरल लोड भी शायद ज्यादा हो। तो इसीलिए मैम थोड़ा सा समय कम है, डॉक्टर अनिल आप थोड़ा लेट आए, आपसे कम बात हो पाई है, लेकिन डॉक्टर अरविंद, डॉक्टर गौतम, डॉक्टर पद्मा, आप तीनों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पर बताई हैं और आप लोगों की बातें सुनकर हमें राहत मिलती है, हम लोग आशान्वित होते हैं और जो गलत रास्ते पर भटक जाते हैं कम से कम उससे लौटते हैं। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ देश के डॉक्टर्स के साथ बैठक की और उसमें कोरोना की स्थिति पर चर्चा की, उसी में फैसला किया गया कि 18 साल से ऊपर के लोगों को